महोबा में बीते दिन सड़क जाम में दरोगा के साथ मारपीट करने के 5 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों ने पुलिस अभिरक्षा से भाग करके सिपाही की राइफल छीन पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने बचाव करते हुए अभियुक्तों पर फायरिंग की। इस मुठभेड़ में 1 दरोगा और 2 कांस्टेबल घायल हो गए हैं। वहीं मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए हैं। महोबा पर कल एक FIR दर्ज की गई थी 196/23, जो कि एक पुलिसकर्मी के साथ हुई अभद्रता व मारपीट के विषय थी। एक जगह पर जाम लगा था, जिसको खुलाने के दौरान एक दरोगा जी के साथ वहां पे उपस्थित कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जिसमें से रास्ते में 2 लोग लघु शौच के नाते उतरे व उन्होंने पुलिसकर्मी की राइफल छीन के वहां से भागते हुए फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई व इसमें 2 लोगों को पैरों में गोली लगी है। परशुराम व मोनू, इन दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु CHC ले जाया गया है। साथ ही इसमें 1 सब इंस्पेक्टर व 2 कांस्टेबल, इनको पकड़ने के दौरान मामूली चोटिल हुए हैं, जिनका भी इलाज CHC में प्रचलित है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।